अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं सिंपल से मटन सीख कबाब। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मटन का कीमा लिया, कीमे को अच्छी तरह धोकर और इसे एक छन्नी में डालकर रख दिया था। 2 से 3 घंटे इसे हमने वैसा ही रखा रहने दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो कीमे का सारा पानी निकल गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले। 2 मीडियम साइज की प्याज को पीसा और इसे पीस कर छन्नी में डाल दिया। इसका सारा पानी हमने हटा दिया है तो ये डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च, इसे हमने दरदरा पीस लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, और अदरक और लहसुन को भी बिल्कुल सूखा ही पीसे, उसमें भी पानी ना हो। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, तो इस साइज के हमने 2 नींबू लिए, ये डाल देंगे। फिर सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब एक चॉपर में डालकर हम इसे पीस लेंगे। मटन हमने अच्छी तरह पीस लिया है और इसे हमने बिल्कुल वैसा ही पीसा है जैसा कि हम कोफ्ते के लिए पीसते हैं। ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल चिकना पीसा है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। और अगर आप अभी नहीं बना रहे तो इसे आप रख दें अच्छी तरह कवर करके, 2 से 3 दिन के बाद में भी आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो अभी हम इसे रखेंगे फ्रिज के अंदर ढाँक कर। चलिए तब हम बना लेते हैं कबाब। तो कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये लकड़ी वाली स्टिक्स ले ली हैं और इसे हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा था ताकि अच्छे से फूल जाए, इसमें नमी आ जाए, जब हम कबाबों को फ्राई करें तो ये जले ना। चलिए तब हम बना लेते हैं कबाब। तो कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा मटन लेंगे और इसे इस तरह गोल कर लेंगे, और यहाँ हम 1 स्टिक्स नहीं लेंगे, 2 स्टिक्स में इसे फंसाएंगे इस तरह। तो कबाब को इस तरह बनाने के बाद में इसमें हम थोड़ी सी डिजाइन देंगे, तो हाथों से इस तरह हम डिजाइन देते जाएंगे। मटन अगर आपके हाथों पर चिपकता है तो फिर हाथों पर आप थोड़ा सा पानी लगा लें और इस तरह की सारी स्टिक्स बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए, इसे हम रखते जाएंगे। चलिए, तो कबाब हमने बना लिए, अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। आप इसे जिप्लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रखकर 12 से 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए पैन में हमने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम कबाबों को फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और कबाबों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कबाब जब थोड़े फ्राई हो जाए तो इन्हें हम पलटेंगे। तो ये देखिए, एक साइड से कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखकर चारों तरफ कबाबों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखिए, कबाब अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और इस तरह सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे।